में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 15 दिसंबर 2021 मेरठ के एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते मेरठ पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार अपनी चौकस नजर बनाए हुए है, जिसके चलते मेरठ की एसओजी टीम ने थानेलसाड़ी गेट की आशियाना कॉलोनी से अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में असला और असला बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया है और एक बार फिर मेरठ पुलिस की कार्यशैली को प्रशंसा का हकदार बना दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री संचालित कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में असला बरामद किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फैक्ट्री में हथियार तैयार किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम और लिसाड़ी गेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को लिसाड़ी गेट के आशियाना कॉलोनी में राशिद और इरशाद के घर चल रही असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में पिस्टल, तमंचे और बंदूक बरामद की गई है। साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। बताया जा रहा है कि राशिद और इरशाद फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। एसओजी टीम की इस शानदार कार्यवाही के लिए एसएसपी मेयर प्रभाकर चौधरी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। ये पिछले 10-15 दिन से सूचनाएं मिल रही थी, विशेष तौर से लिसाड़ी गेट क्षेत्र में और एक दो जगह देहात क्षेत्र में भी, कि लोग इलीगल वेपन बना करके उसको एक दूसरे को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इस क्रम में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, जो कि बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है, उसके अंदर एक घर से एक असलाह फैक्ट्री, अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 7 से 8 को पिस्टल मिली है जो कि बनी हुई है, और इसके अलावा लगभग 200 मैगजीन मिली है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि मैगजीन की भी सप्लाई करते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो एक और अभियुक्त है वो फरार है, उसको हम लोग लगातार दबिश की कार्रवाई जारी है। साथ ही बहुत भारी मात्रा में इसमें उपकरण बरामद हुए हैं, जिससे कि अवैध असलहे का कंट्री मेड वेपन जो होते हैं उनका निर्माण करके और बेचने का काम किया जाता है। विशेष चीज़ इसमें यह है कि पुलिस वहाँ तक जाएगी कि कहाँ कहाँ इन्होंने असलहा पिछले 5 साल में सप्लाई किया, जो बताया गया पूछताछ में कि पिछले 4-5 साल से चल रहा था, कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, कहाँ किसको बेचा है, उन तक भी नेटवर्क का पता लगाया जाएगा और इसके लिए अलग से एक टीम भी बनाई गई है। और साथ ही जिस टीम ने ये पकड़ा है सूचना के आधार पर, उनको 25,000 रुपये कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। थैंक यू। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।